जो है सेम सेम जो है बस है हमारी जहाज वाली, यहाँ लसबेला जो है लेट चुका है, मैं भी इधर ऊपर ही बैठा हुआ हूँ, रिजवान साहब खड़े हुए हैं। और किधर जा रहे हैं भाई, ये तू तो लेट गया है पूरा। हम जा रहे हैं बार्सिलोना। साथी मिले मेरे साथ, हाँ मेरे हमरा होंगे जा रहे हैं, हाँ फिर इनसे रस्ते में थोड़ी बहुत स्पेनिश सीख ले, थोड़ी बहुत सीख भी ले। पाकिस्तान में लोग ड्रॉप करने रो रहे थे, आवाम का समंदर था इधर तो है कि बहुत सब पे भारी है। माजिद बैकपैक वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी जो है हमारे उस्ताद ने पिज्जा लगाया है और इस टाइम जो है रिजवान आके फ्रॉम यूके, हलचल मची हुई है सामने, मशहूरी नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अभी जो है जाना है एयरपोर्ट, दस्तान आप लोगों को बताऊंगा, एक फ्लाइट मिस हो चुकी है इसकी और फटाफट से खत्म करते हैं क्योंकि मैंने खाने और रिजवान ने खाने हैं। ये लोग खा चुके हैं, मशानी रेडी शेडी हुआ हुआ है, बड़ा वाला बैग एयरपोर्ट पे जमा कराया हुआ है, सुबह वाली फ्लाइट पे नहीं जा सका क्योंकि मैंने तेरे को बोला था शाम को ही जाएगा। अभी जल्दी से खाते हैं, मैंने बोला था तेरे को शाम को काम के बाद। तो अभी जो है यहाँ से जाने एयरपोर्ट, मशानी को छोड़ने, स्पेन की फ्लाइट है तो फटाफट से ये एक पीस खत्म। तोबा जल्दी से ये खत्म करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं फटाफट से। आप लोगों को पता है मैं खुद भी पिज्जे का ही काम करता हूँ तो मैं ज़्यादा पिज़्ज़ा खाता भी नहीं हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन इस तरह है कि ख़त्म करना पड़ेगा इसको। और रिजवान साहब ने जो है दो पीस खा लिए हैं तो चेक करते हैं कैसा बनाया उस्ताद ने। सही, अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है, पता नहीं कितने का दिया ये मेरे को नहीं पता क्योंकि इन्होंने ही मंगवाया। टाइम नहीं है देखो मशानी को, देखो सुबह से जो है दिन में एक फ्लाइट मिस हो चुकी है, टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के बाद जो है अब जा रहे हैं एयरपोर्ट, और जिन्होंने नहीं जाना वो पीछे पीछे, और जिसने आगे जाने वो मशवानी साहब जो है सिग्नल क्रॉस कर चुके हैं, बोला यार जल्दी चलो सुबह भी मेरी फ्लाइट जो है वो मिस हो गई है। मैं तो काम पे था और रात को लेट नाइट तक हम बैठे रहे, अहमद भी आया हुआ था, तो उसके बाद तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब घर गए। मैंने सुबह काम पर जाना था, रिजवान ने जो है छुट्टी की थी काम से, कुछ सिस्टम करना था इसका फ्लाइट वगैरह का, तो इन्होंने फ्लाइट वगैरह बुक की है। उसके बाद जो है ये लोग गए एयरपोर्ट, मेरे को बता रहे हैं बाकी जो सिस्टम है वो उज़ैर की ज़बान में आप लोगों को सुनवाते हैं। ये बता जल्दी जल्दी क्यों जा रहा था? अबे यार देर हो रही है माजी, तुम लोग मजाक कर रहे हो, मेरा बैग एक बैग मैंने एयरपोर्ट पे लॉकर पे रखा हुआ है। 5 यूरो दिया, मजाक है क्या 5 यूरो भाई? तो सुबह तू लेट कैसे हुआ है? तेरे को तो बोला था टाइम से जाइयो, अब तेरे को बोला भी था शाम वाला टिकट बुक करियो। अबे वो तो गलती हो गई ना रात में, तूने बतवा दे दिया, लेट हो गया। हाँ। और सुबह रिजवान ने थोड़ी सुस्ती दिखाई, थोड़ी मैंने दिखाई। हाँ। फिर भी हम पहुंच सकते थे। हाँ। ये आकिब बोलता है कि अबे मैं एक बार 3 मिनट पहले पहुंचा, मैं चला गया ये वो। हाँ। बोला यार इधर शेंजन हो सकता है 3 मिनट पहले भी जहाज में बिठा देते हैं। बाद में पता चला बोलते है मैं ट्रेन में 3 मिनट पहले पहुंचा। तो तूने नहीं कभी सफर किया जहाज में, तेरे को नहीं पता? कराची वाले ना मेरे से कुछ वहां से एयरपोर्ट खत्म, इधर तो टर्मिनल 2 के चक्कर में 15 मिनट दलील हो गए। 1 से 2 तक जा रहे बस में बैठ, बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि सुबह ये भी बोल रहा वाले गालियां दे रहे, सुबह ये भी बोल रहा था 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, वो 8 मिनट 38 मिनट में वहां चले गए। चलो कोई नहीं अभी पहुंच जाएगा, सांप का डसा और रस्सी से भी डरता है। तो ये बता के मतलब तैयार शिकार हुआ हुआ है? अबे नहीं, अब मैंने बोला इसी चड्डे में जाऊंगा, सीट मिल गई जहाज में ट्राउजर पहनूंगा, वरना क्या, वरना कुछ भी नहीं, इसी चड्डे में वापसी आ गई। फिर रात को अलमेदा पार्क में, हाँ नेपाली के हॉस्टल में सो जाऊंगा। क्या है अब रात को नेपाली से मुंह मारी होगी? किस बात पे भाई? केस है वो, वीडियो में नहीं बता सकता, खतरनाक है। भाई को कोई निशानी नहीं देके जाएगा। अब मैंने बोला इसको एक शर्ट भी दूंगा तो 1600 रुपए की है। मैंने 100-100 वाले 2 मोजे दे दिए, मैंने बोला जानी निशानी रखो। वीडियो में आपने देखा था मशवानी जो है बैग सर पे लेके जा रहा था, और इस वीडियो में वो बड़ा वाला बैग जो है 5 यूरो का खर्चा करके एयरपोर्ट पे ही रखवा दिया है, लॉकर में रखवा गया है, वो पर्ची मेरे पास है जानी, मजाक तो नहीं है। कहाँ पे? यूरोप के लॉकर में, यूरोप के
एक घंटा तो तूने तमाम लोगों को बोला कि मैंने यूरोप के लोकर में अपना बैग रखवाया है। नहीं, असल में मसला पता है क्या है? हाँ, वो भी मशवरा मिल गया एक जगह से ना। कहाँ से? उधर हमने देखा लोकर बने हुए थे। हाँ, ना इस भाई को समझ आ रहा है ना उसको ना मुझे। फिर वो थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी बोल लेता है। हाँ, पूछ के हाँ। उसने बाबा रास्ता मार ही लिया। और देखो पता है आकिब को ऐसी लड़कियों से चिपकने की थोड़ी बीमारी है। हाँ। बस हमारा काम भी हो गया, इसका भी हो गया। तो ये तो बता के, ये किसने बताया कि 5 यूरो लगेंगे? ये किसने बताया 5 यूरो लगेंगे? बुड्ढी ने बताया। और पे कैसे किया? पूछ रहा बुड्ढी की बेटी से, तो बुड्ढी आ गई बोलती है मी 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 आके बोलता बुड्ढी इसलिए आई है मेरा खत नहीं बनाई, बोलता कल मैं जाके दाढ़ी और बाल बनवाऊंगा फिर तू देखियो। बनाने आकिब तूने खत और दाढ़ी वगैरह बनानी है? आकिब को आज 150 का चूना लगा, पता है तेरे को? किसने लगाया? किसने? छोड़, वो बाद में गहरी बात है, वो भी खतरनाक बात है। खतरनाक बात है मतलब ये बता इनको, हम एक कार्ड पे दो बंदे जाते हैं बता बता रहे हैं तो कराची वाले ना बता, एक मेट्रो के कार्ड पे दो बंदे जो जाते हैं। तो तूने जो कार्ड लिया एक साल का, वो रिचार्ज नहीं करवाया? आज डेढ़ यूरो डलवाया था। हाँ। मुझे क्या पता था मैं वापसी आऊंगा, तो अच्छा मैं एयरपोर्ट में फेंकने वाला था। तकरीबन 4 मिनट और 30 सेकंड में जो है वो मेट्रो आएगी, और 4 मिनट 30 सेकंड के बाद जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 7:12 हो रहे, तकरीबन 25 मिनट में इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। 25 मिनट क्या बोल रहे हो? 7:30 हम लोग एयरपोर्ट पे होंगे, तो सही है ना? 9 के करीब इसकी फ्लाइट है, तो 7:30 भी अगर एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो पहुंच जाएगा ना भाई, चेक इन हो जाएगा। तेरा क्यों परेशान हो रहा है? ये व्लॉग जो बनाएगा उसमें टाइम नहीं लगेगा? व्लॉग तो साथ चल रहा है ना, व्लॉग की क्या टेंशन है। अच्छा ये तो बता लोगों को क्या कहते हैं, कैसा लगा पुर्तगाल? पुर्तगाल VIP माजिद भाई का दिल से बदाग मस्ती है अपनी जगह पे। माजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में और जॉब वाली ज़िंदगी में, बिना वीकेंड के मैं आऊँ वर्किंग डेज में, फिर भी इतना टाइम दिया मुझे। जैसे जॉब से फारिग होता है डायरेक्ट रब्ता करता आता है, और जब ये जॉब पर होता है तो इसकी कमी मुझे इसके दोस्त महसूस होने नहीं देते। ये भाई आकिब भाई है और रिजवान रिजवान भाई हैं, तो इन दोनों भाइयों का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह दुनिया गोल है ज़िंदगी में, किसी मोड़ पर मेरे से जरूरत पड़ी यूरोप में आपको कोई, तो आई एम विथ यू। ओके ब्रो, नो टेंशन। और अभी फिलहाल तो तेरे को जरूरत है इनसे, अभी तो निप्स भी सुने, शाम तक निप्स के डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे ना। आ चुके हैं रिजवान साहब बोल रहे हैं, और जो आकिब ये रहा, और उजैर मेरे साथ है, बाबा लाडला इसको तो लोग वो लग जहाँ तेरे को लगे ना ये आवाज सही नहीं, टोन टोन वाला साउंड लगा रहा है। एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट था वसीफ वाला है गोरा पुर्तगीज। और क्या सीखा तूने पुर्तगीज में? स्पेनिश में क्या सीखा? फर्क नहीं पड़े ना दोनों में। क्या ओला कोम उस्ताद बीन ये तू सोए बीन दोंदे उस्ताद इन कासा ओ एलम और पुर्तगीज में सेम ये भी किसी पुर्तगीज के सामने बोलो वो समझ जाता था ये तो हमसे ऊपर गया। तो फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए एयरपोर्टो, सामने देखे एयरपोर्टो। वैसे पहला मुझे तो पुर्तगीज है गोरा, तो अभी यहाँ से ऊपर जाना है सेम। और भाई टर्मिनल 1 है 2 है क्या सीन है? 2 है टर्मिनल 2 है। हाँ टर्मिनल 2 से ही जाएंगे ना। चलो 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 एलिवेटर में आ गए। भाई बड़ी मुश्किल से जो है एलिवेटर में आ गए सीधा ऊपर। वो रहा मेट्रो वाला जिसने तेरे को उस दिन पकड़ा था कार्ड पे, पुर्तगीज में सीख गया। तेरी फ्लाइट इसमें देखे कहाँ पर है? कहाँ पर है तेरी फ्लाइट? टर्मिनल 1 ये सारा अराइवल है। तूने डिपार्चर में जाना है। तो अभी जो है हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, ऊपर एयरपोर्ट है। अभी आप लोगों को मैं लॉकर दिखाने वाला हूं अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हैं, और हाँ तो ये लॉकर बने हुए एयरपोर्ट पे। तो इधर जो है आपने किस तरह मशवानी, क्या सिस्टम है इसका? हाँ ये रहा पहले इधर इंग्लिश। हाँ इसमें तेरा सामान है भाई, पहले आप ये लॉकर जिस तरह खुला हुआ है इसको खोलो, इसके अंदर सामान रखो, इसको बंद कर दो लॉक हो जाएगा, यहाँ स्क्रीन पे आपका नंबर आ जाएगा लॉकर का, आप उसमें पैसे डालोगे यहाँ पर आपकी पर्ची आ जाएगी। अब आप ये कोड डालो माजिद को अपना
3 डिजिट कोड। अबे ये पकड़ ले, ये भी नहीं है, ये है, ये है 423-9-678. पहले चेक कर, यही है, ये किसी और का ना हो। नहीं, यही है, पक्की बात है, यही। तो फिर उधर क्यों उतना आ रहा है? नहीं कर दे, डाल दिया। अभी परेशान होगा ये लोग, 3 घंटे का बोला था हमने, ज्यादा लगा दिया, पैसे तो नहीं मांग रहा। ये परेशान हो गए क्योंकि ये लोग बैग रख के गए यहाँ पे लॉकर में, और अभी जो है जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरह बैग निकलेगा। तो सीन कुछ इस तरह का है कि भाई यहाँ पे लॉकर बने हुए हैं, अगर आप लिस्बन एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं या आप एयरपोर्ट पे आए और कुछ टाइम के लिए आपने रुकना है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप आराम सकून से अपना लॉकर में बैग रख सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये निकलेगा, क्योंकि ये लोग रख के गए हैं, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है कि इन्होंने कैसे रखा है, क्या किया है। अगर बैग निकल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्या है। उज़ैर बोल रहा है 27 में मेरा बैग है, लेकिन अभी वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, देखते हैं निकलते नहीं निकलता। तो अभी टूरिस्ट भी था यहाँ पे रख के गया। अच्छा, बड़े बड़े लॉकर भी हैं, ये देखें ना, बड़े बड़े लॉकर हैं, मतलब दो बड़े बैग आराम से आ सकते हैं, दो बड़े बैग आराम सुकून से आ सकते हैं। €5 डाले थे 3 घंटे के, हाँ टाइम हो गया, ज्यादा देर की है इसने, इसको बड़े €1 डाले। 1 बजे का डलावा था, दो बजे का 4-5 बजे खत्म हो जाता तो हम तो 8 बजे पहुंच रहे हैं। चार, फिर €4 देंगे, मतलब अभी €8 जुर्माना आ गया है। 13 यूरो मांग रहा है, इतने का तो सामान नहीं है। सामान पड़े हुए यार, किस चीज के? वेट के। 10 किलो मेरे पास, 30 किलो। नहीं नहीं, अभी अंदर तो चल। अच्छा, तू इधर €8 तो पे कर, इसमें वो जाता है क्या कहते हैं, कैश जल्दी कर देना। मतलब एक और सीन हो गया, अगर ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो पैसे बढ़ते रहेंगे। 13 3 हार का ₹5 था, हाँ तो अब ज्यादा हो गया, ये 6 हार हो गए हैं। सामान चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। सही है उज़ैर, ये पुर्तगाल वाले तेरे से हर जगह पे पैसे ही ले रहे हैं। तू समझ लूंगा जानी, टेंशन नहीं ले जाओ। तुम दो नंबरी कर रहे हो ना मेट्रो में, ये वो पैसे मेरे यहाँ निकल गए। ये मेट्रो वाले पैसे निकल गए तेरे यहाँ। अब दो कुत्ते की तरह खींचते हुए हैं। ये भी नहीं डाल दे, ये भी डाल, भूखा। अभी चिल्लड़ फेंकेगा हमारी। मतलब तूने अभी इस टाइम 7-7.5-8 हजार रुपए डाले अंदर। ओ लॉकर खुल गया, ओ लॉकर खुल गया वो। लेकिन पैसे बहुत लगे हैं यहाँ, इससे अच्छा घर ही ले आते तुम लोग। तूने भी तो रूसियों पे जाके लाइव दिखाना था लोगों को कि मैं पुर्तगाल में हूँ। 5 हजार का चूहा लग गया। क्या क्या 5 हजार का चूहा लग गया पाकिस्तान। मामा जल्दी चल, 7:40 हो गए हैं। बेटा सूद समेत लुटाऊंगा तेरे को, हो गया भाई। तो भाई 5 हजार का जो है लॉकर मिला है, लेकिन सही है, घूमता फिरता भी तो रहा है रूसियों में, लोगों को लाइव दिखाता रहा है, वीडियो व्लॉग भी बनाया है रूसियों के अंदर अपने, जो अपलोड करेगा कुछ टाइम बाद। माजी तूने मेरे बैग का जुगाड़ नहीं किया उस दिन वाले व्लॉग में, दिखाया था ना। अबे क्या जुगाड़ किया तूने? वाला टायर इधर लगा दिया, हाँ, और उधर क्या लगाया, ये देख लकड़ी लगाई है टेप से। ये कहाँ से लेकर आया? ये उधर को नेपाली के उधर किचन में सामान था, उधर से जुगाड़ कर। इसलिए लड़ाई हुई है ना? तो भाई जुगाड़ चेक कर, ये लकड़ी लगा के टेपे लगा दी, बोर्ड दिए, हाँ। ये वाला टायर जो था इधर लगा दिया, हाँ। ये दोनों टायर, एक टूटा हुआ था, एक निकाल के फेंक दिया। ये कब किया तूने? ये सुबह, तभी तो सोया नहीं हूँ। अबे नेपाली परेशान हो गया सुबह। अरे टायर क्यों फेंका? टायर रखता, टायर तो रखता। अबे वो टायर वो टूटा हुआ था ना, वो भी, हाँ वो टूटा हुआ था ना, देखा नहीं था व्लॉग में, टूटा हुआ था। बरल एक तो 0 मीटर हो गया, अगर किसी ने ऑनलाइन परचेज करना हो तो रब्ता कर लेना। डिलीवरी फ्री है। ओए टर्मिनल की बस ही नहीं है। बैग चेक करे, कांधे पे लेके घूम रहा था बैग, ये वही है जिसमें कांधे पे लेके घूम रहा था उज़ैर। कैसी मार रहे थे जानी, बिजनेस मीटिंग पे आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीटिंग कैंसिल हो गई, बॉस की तबीयत सही नहीं थी। बोला क्यों ना इधर एम्बेसी में, बोला कि हम बिजनेस मीटिंग पर आए हैं।
अभी जो है हम लोग बस के अंदर आ गए और अब जो है डोमेस्टिक टर्मिनल पे जाएंगे। जो है सेम जो है बस है हमारी जहाज वाली, यहाँ लसबेला जो है लेट चुका है, मैं भी इधर ऊपर ही बैठा हुआ हूँ, रिजवान साहब खड़े हुए हैं। और किधर जा रहे हैं भाई, तू तो लेट गया है पूरा। हम जा रहे हैं बार्सिलोना। बार्सिलोना साथी मिले मेरे साथ। हाँ मेरे हमरा होंगे जा रहे हैं। हाँ हम बार्सिलोना में मुलाकात, फिर इनसे रास्ते में थोड़ी बहुत स्पेनिश सीख लियो, थोड़ी बहुत सीख भी लियो। आ गया एयरपोर्ट। तो मैंने जो है ना अभी ये उज़ैर के आने से ही देखा है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है ना यहाँ पे, उसका जो है अलग एयरपोर्ट है, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनका अलग एयरपोर्ट है। जल्दी जल्दी चलो, इससे पहले ये वाली फ्लाइट भी तेरी रह जाए और इन्हीं के साथ चला जा। वो पहली बार जा रहा है, इसका ख्याल रखना। अंदर आ गए लाइन में, ज़िगज़ैग में जा रहे हैं। पहले जो है बाहर से निकल गए थे तो उज़ैर बोल रहा है यार एयरलाइन स्टाफ से रिक्वेस्ट करनी है, मेरा वजन ज्यादा है, तो लेट्स सी व्हाट, बैग का वजन ज्यादा है, तो देखते हैं अभी एयरलाइन स्टाफ क्या कहता है, बैग में रियायत देते हैं वेट में या नहीं देते। तो अभी जो है बोर्डिंग इशू हो गया है और अब जो है जा रहे हैं गेट की तरफ। दिखा 8:15 पे जो है वो चेक इन काउंटर पे पहुंचना है। और जैकेटें तो उज़ैर ने इस तरह ले ली, उज़ैर इसको बैग में तो रख जैकेट को। अबे वहाँ बर्फ गिर रही है बार्सिलोना में, बार्सिलोना और स्पेन का एक जैसा ही वेदर है यार। तो अभी हम लोगों को तलाश करना है कि हम लोगों को देखना है कि भाई गेट किधर है। और 8:15 पे जो है वो चेक इन, इसके 12 हो चुके हैं, 15 का उस लड़की ने बोला था चलो भाई आ जाओ 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 ओ आ जाओ। 8:12 हो चुके हैं और 15 पे लड़की ने बोला था चेक इन काउंटर पे आप लोग आ जाना। पाकिस्तान में लोग उज़ैर को ड्रॉप करने रो रहे थे, क्यों रो रहे? आम का समंदर था इधर, तो एक ही बहुत सब पे भारी है, माजिद बैकपैक है, जाऊंगा तो मैं एयरपोर्ट लेने तू यार इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जो है उज़ैर जा रहे हैं और देखते हैं सी ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर बाहर आप लोगों से वेट करना मेरा। जो है उज़ैर को जो अंदर छोड़ दिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहीं से हमने भी ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है। आज मैंने देख लिया ये टर्मिनल, अभी यहाँ पे आधा घंटा बाहर वेट करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उज़ैर के पास था स्टाफ टिकट, और अगर फुल हुई पैक फ्लाइट तो फिर कोई इन बिन होगी, लेकिन मैंने लड़की से रिक्वेस्ट किया पुर्तगीज़ में, बोल ली थी मैं कोशिश करूँगी कि इसको जो है सीट मिल जाए। थोड़ा भी देर इधर बैठते हैं, यहाँ पर सीट्स लगी हुई हैं, यहाँ रिजवान साहब बैठ जाते हैं, फिर कन्फर्म करेगा तो फिर निकलेंगे। सही है, तो ये भाई रियान एयर, ट्रांसाविया और फ्यूलिंग, टर्मिनल 1 पे क्या चल के करेंगे, टर्मिनल 1 से उधरी की उधरी आ गया तो इधर आ जाएंगे, ना आया तो उधरी की उधरी निकल पड़ेंगे। चलो आ जाओ, टर्मिनल भी टाइम लगेगा ना, वेस्ट होगा। सही है सही है, टर्मिनल 1 पे चलते हैं, और अगर सिस्टम बन गया तो ठीक है, ना बना तो फिर वापसी इधर पिक कर लेंगे उज़ैर को। कोई हल्की हल्की जो है रात होना स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट टाइम के हिसाब से तो हो चुकी है, क्योंकि 9 बजने वाले हैं, और वैसे रोशनी के हिसाब से जो है आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। और आज ही मेरे को ये पता चला है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने तो सफ़र नहीं किया, लोगों को छोड़ने ही आते हैं, दोस्तों को या वाले साहब आए तो उनको छोड़ने आए, तो इधर से जो है ना शेंजन जोन के बाहर जो फ्लाइटें जाती हैं रिजवान, वो यहाँ से जाती हैं, और शेंजन जोन के अंदर जो फ्लाइटें जाएंगी वो वहाँ से जाएंगी उस वाले एयरपोर्ट से। ऐसा ही है तो आज कन्फ्यूजन क्लियर हुई, क्योंकि अगर हम भी प्रोग्राम मनाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ आने 10 पहले इस बस में बैठना है, सीधा अगले टर्मिनल पर जाना है और वहाँ से फ्लाइट ले लेनी है। भाई स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो अभी जो है हम लोग बैठे हैं टर्मिनल 1 पे और अल्लाह खैर करे उज़ैर को सीट मिल जाए, अभी उसके वॉइस मैसेजेस आए। चेक इन काउंटर क्लोज हो गया है, स्टाफ बोल रहा है उज़ैर को कि आप वेट करो, अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है सीट की तो हम आपको जहाज में भेज देंगे। तो अभी देखें, होप फॉर द बेस्ट, अगर कोई ऊंच नीच होती है तो फिर ये सामने ही बस खड़ी है, इस पर बैठ के टर्मिनल 2 पर जाके पिक कर लेंगे। और बोल रहा है क्या पता तुम लोगों को एक और ब्लॉग मेरे साथ बनाने को मिल जाए। फाइनली जो है उज़ैर को सीट मिल गई है, और अभी मैसेज आया है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सीट मिल गई है, और अब जो है मैं जा रहा हूँ। तो सामने देखे कितना खूबसूरत नज़ारा है, और अभी जो है
हफीज़म मेरा दोस्त आया है लंदन से, आप लोगों ने देखा होगा हफीज़ आया था, फिर उसके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है प्रॉब्लम हो गई थी, रिजवान से जो डॉक्यूमेंट की उसकी सोल्यूशन निकलवा के हफीज़ का अकाउंट खोला था हम लोगों ने, उसके बाद फिर हफीज़ लंदन चला गया था, उसके बाद पुर्तगाल का बिज़नेस वीज़ा था, तो हफीज़ आया है और एयरपोर्ट पर ही हम लोग खड़े हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, हफीज से भी आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। फीस जो है वो सामने खड़ा हुआ है, और आप लोगों को अभी नजर आ रहा होगा, हफीज जो है हंस रहा है इस टाइम, अमीगो बना हुआ है, फुल तैयार श्यार हुआ हुआ है, टर्मिनल वन के बाहर खड़ा हुआ है। हफीज कमजोर हो गया है यार। वालेकुम अस्सलाम, खुशबू आ रही है, मेरा परफ्यूम किधर है? एक बंदे को छोड़ा है और एक को पकड़ लिया हमने, रिजवान कैसे? और ये आकिब भाई, ये भी यूके से आए, तू कैसा? ठीक है, तो फीस के साथ हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। पहुंच चुका है लंदन से, तैयार श्यार हो के लिस्बोआ, ईमेल तेज होते ही ऑफिस पहुंच गया लंदन से पुर्तगाल। मेट्रो, चलो भी मेट्रो में चलते हैं, बाकी बातें वहां पर चल के करेंगे, लंदन की तुम्हारे से सारी बातें पूछनी है। हफीज आया है भाई, अभी जो है अपने डॉक्यूमेंट सीधे करने के लिए पुर्तगाल में, यूके प्लस यूके। तो आज जो है भाई सारा दिन जो है मेट्रो में गुजर रहा है, और अभी जो है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अलमैदा, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और उसके बाद जो हफीज से थोड़ी गपशप करेंगे, उसके बाद हफीज चला जाएगा। सख्ती नहीं है, क्या नहीं है? वेदर भी ठीक नहीं है, लोग भी ठीक नहीं है, काम भी ठीक नहीं है। वेदर भी ठीक नहीं है, लोग भी ठीक नहीं है, काम भी ठीक नहीं है, तीनों डब्ल्यू खराब है। तू भी यही इसी पास पे? तीनों डब्ल्यू खराब है। तू भी तो यूके में रहा है, क्या सिस्टम है? मेरा तो लंदन का ठीक था, बाकी मैं तो उधर से इसलिए आया हूं कि करेंगे तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। गुजर चला गया स्पेन, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन और नए ब्लॉग के साथ। हफीज ने बोला है लंदन नहीं जाना, जिसने भी जाना है किसी और कंट्री जाना है, यूके नहीं जाना, यूके सिर्फ लंदन भी जाएंगे, और नहीं जाएंगे। बस घूमने फिरने जाएंगे, वरना लंदन नहीं जाएंगे। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।